चलते हैं आपको राज्यसभा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। सभापति जी, ये 75वां गणतंत्र दिवस ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है और उस समय संविधान की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर राष्ट्रपति जी का भाषण, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी रहता है और उन्होंने अपने भाषण में भारत के आत्मविश्वास की बात कही है, भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास को प्रकट किया है और भारत के कोटि कोटि जनों का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से देश के सामने सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैं राष्ट्रपति जी के इस प्रेरक उद्बोधन के लिए और राष्ट्र को दिशा निर्देश के लिए और एक प्रकार से विकसित भारत के संकल्प को सामर्थ्य देने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चर्चा के दरमियान अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और चर्चा को समृद्ध करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया। इस चर्चा को समृद्ध करने के प्रयास करने वाले सभी आदरणीय साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना, ये उनकी मजबूरी थी, उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में और ऐसा आनंद आया ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है, लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था, तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया।